नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कल लखनऊ की टीम को बेहद ही शानदार जीत मिली है, लेकिन इस जीत में एक ऐसा खिलाड़ी भी रहा जिसने सभी की दिलों पर एक बार फिर से छाप छोड़ दी है, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आयुष बदोनी था। जी हाँ, आयुष बदोनी ने किस तरह से एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया है और सभी के दिलों में जगह बना ली है, जाने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, कल जब ऐसा लग रहा था कि एक पल को मुकाबला अंत के ओवरों में फंस जाएगा और लखनऊ की टीम इस मुकाबले को हार भी सकती है, तभी ग्राउंड पर एंट्री होती है आयुष बदोनी की। जी हाँ, आपको बता दें, आयुष बदोनी ने फिर वो कारनामा करके दिखाया जिसे देखने के बाद तो हर कोई हैरान ही रह गया। दोस्तों, आयुष बदोनी ने कल सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेंदों पर 10 रन जड़ दिया। ये बहुत छोटी सी पारी है, लेकिन यकीन मानिए यही वो पारी थी जिसकी वजह से लखनऊ की टीम मैच को जीत पाई। और इस पारी के बाद केएल राहुल ने भी बहुत ज्यादा तारीफ की है आयुष बदोनी की। केएल राहुल का कहना है कि आयुष बदोनी बेशक से छोटे से नन्हे मुन्ने प्लेयर हैं, लेकिन वो जिस तरह की खास परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यकीनन वो उनको एक मजा हुआ खिलाड़ी दिखाता है। आपको बता दें, कल आयुष बदोनी ने एक बार फिर से बेहद ही खास कारनामा करके दिखाया और इसी वजह से उनकी टीम इस मुकाबले को जीत पाई। वरना दोस्तों, एक पल को ऐसा लग रहा था कि कहीं लखनऊ की टीम इस मुकाबले को हार ना जाए, लेकिन फिर भी आयुष बदोनी ने अपने दम पर इस मैच को जिताया है। वहीं दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक ने भी खूब साथ दिया कल लखनऊ सुपर जायंट्स का, और इसी वजह से इस मुकाबले को जीतने में किसी भी तरह से लखनऊ की टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कल जहां हमें देखने को मिला कि 52 गेंदों पर ही क्विंटन डिकॉक ने बेहद ही शानदार 80 रनों की पारी खेली, और यही वो पारी थी जिसने सभी का दिल जीत लिया और मैच को भी लखनऊ सुपर जायंट्स के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अंत में जो आयुष बदोनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदों पर ही 10 रनों की पारी खेली, ये चमत्कारी पारी थी। देखने को तो सिर्फ 3 गेंदे और 10 रन ही हैं, लेकिन विश्वास करिए, यही तो वो छोटी सी पारी थी जिसने दिल्ली से जीत को छीन लिया और लखनऊ के खेमे में लाकर जीत को पटक दिया। और इसी वजह से केएल राहुल ने इस नन्हे से खिलाड़ी की बहुत तारीफ की है। केएल राहुल का कहना है कि आयुष बदोनी बिल्कुल डिविलियर के स्टाइल में खेलता है, और आने वाले दिनों में ये टीम इंडिया में भी अपनी जगह बहुत ही जल्द फिक्स कर लेगा। केएल राहुल का मानना है कि इस तरह के खिलाड़ियों की टीम इंडिया में भी जरूरत है, जो कि इसी निडरता के साथ अपना खेल दिखा सके और टीम इंडिया को मुकाबले जिताने में अपनी भूमिका निभा सके। केएल राहुल ने साफ कर दिया है कि आयुष बदोनी लखनऊ सुपर जायंट्स की हर मैच का प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, यानी केएल राहुल को इस छोटे से खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास हो चुका है। केएल राहुल का मानना है कि यह खिलाड़ी चमत्कारी है और जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, यकीनन इस तरह की परफॉर्मेंस की लखनऊ सुपर जायंट्स को और भी ज्यादा आने वाले दिनों में जरूरत होगी, और इस तरह के खिलाड़ी को आने वाले दिनों में केएल राहुल की टीम और खुद केएल राहुल बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं। केएल राहुल ने इनकी तारीफों में यहां तक कह दिया है कि इस तरह का खिलाड़ी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आयुष बदोनी टैलेंटेड है और इनका टैलेंट हमारे साथ खेलते खेलते और भी ज्यादा निखरता जाएगा। तो कुल मिलाकर आयुष बदोनी ने ऐसा लगता है कि केएल राहुल के दिलों में अपनी जगह बना ली है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।